गुड आफ्टरनून एवरी वन वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर एट सिक्सटी सिक्स पर आ जाइए यू पी पी सी एस के लिए देखिए यू पी पी सी एस की सीरीज़ में हमने लगभग पिछले सात से आठ महीनों में या दस महीनों में साढ़े तेरह हज़ार से ऊपर प्रश्नों को कवर किया है ठीक है और इसमें से कितने फंसाने अपने को डेढ़ सौ फसाने हैं तो जिसने अच्छे से रिविज़न किया होगा बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे मिलेंगे जिससे कम से कम कट ऑफ तो क्लियर हो जाए ठीक है तो प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा बाकी अंतिम क्षणों के लिए करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करते रहिए कुछ बुलेट पॉइंट देखते रहिए तो कोच चुनिंदा एक और टेस्ट लगाते हैं पहला प्रश्न है राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है बताइए अलीगढ़ इसका उत्तर ठीक है ऑप्शन नंबर ए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौदह सितंबर दो हज़ार इक्कीस को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना महान स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में करी है क्वेश्चन नंबर टू पर आ जाइए भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया ये प्रश्न दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है ठीक है और इसका उत्तर है उत्तराखंड हाल ही में लोअर सबॉर्डिनेट मेंस में ये पूछा गया है परसों जो एग्ज़ाम हुआ था तो उत्तराखंड के रानी खेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी फर्नरी का उद्घाटन बारह सितंबर दो हज़ार इक्कीस को किया गया और यह नया केंद्र फर्न प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिक भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के अनुसंधान को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करेगा नंबर थ्री पर आ जाइए इकतीस अगस्त दो को कितनी भारतीय न्यायाधीशों ने महिला न्यायाधीशों ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली इकतीस अगस्त दो को टोटल नौ लोग हैं ये मतलब मेल फीमेल दोनों लेकिन महिला कितनी है इनमें तीन है तो तीन हो जाएगा इसका आंसर भी तो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहली बार है जब इकतीस अगस्त दो हजार इक्कीस को तीन महिला न्यायाधीशों सहित कुल नौ न्यायाधीशों ने एक बार में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की और नौ नए न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो कुल संख्या बढ़कर हो गई है तैंतीस ठीक है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है एन वी रमना नंबर फोर पर आजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र देश होने का लक्ष्य रखा है भारत का ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य जो है कब तक रखा है वर्ष दो तक तो भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष दो तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है भारत को और इसके लिए प्रधानमंत्री ने मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की घोषणा की है जो वर्ष दो तक भारत को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पेट्रोलियम को ऊर्जा के अन्य रूपों में बदल देगा नंबर फाइव दो स्टेटमेंट बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है जल शक्ति मंत्रालय ने 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में सुजलाम नाम से एक सौ दिनों का अभियान शुरू किया है इसका उद्देश्य है ग्राम स्तर पर अवशिष्ट जल प्रबंधन के द्वारा अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त प्लस गाँव का निर्माण करना सुजलाम अभियान ठीक है सौ दिनों का अभियान अधिक से अधिक खुले में सोच मुक्त प्लस गांव का निर्माण करना यह करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी हेस् कांसर नंबर सिक्स पर आ जाइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे पहला स्टेटमेंट है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने चौदह अगस्त दो हजार इक्कीस को शहरी स्वयं सहायता समूह उत्पादों के विपणन के लिए एक ब्रांड लोगो सोन चिड़िया लॉन्च किया और इस साझेदारी के कारण लगभग पांच हजार स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के दो हजार से अधिक उत्पादों को ई e कॉमर्स पोर्टल पर जोड़ा गया बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है और सी हैज का आंसर नंबर सेवन पर आ जाइए निम्नलिखित में से विभाजन भयावह स्मरण दिवस या विभाजन विभीषिका दिवस कब मनाया गया प्रधानमंत्री के द्वारा देखिए पंद्रह अगस्त उन्नीस से एक दिन जो पहला था चौदह अगस्त यानी ये पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस है ठीक है चौदह अगस्त को रखा गया इसका तिथि तो प्रधानमंत्री के द्वारा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंद्रह अगस्त दो हज़ार इक्कीस को घोषणा की कि चौदह अगस्त दो हज़ार इक्कीस को विभाजन भयावह स्मृति दिवस या विभाजन विभिषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा यह वर्ष उन्नीस में देश के विभाजन के दौरान लोगों के संघर्ष और उनके बलिदानों की याद में मनाया जाएगा और इस दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी होता है नंबर एट पर आ जाइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे पहला स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को आभासी माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल आधारित डिजिटल भुगतान समाधानी ई रुपी लॉन्च किया और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ई रूपी प्लेटफॉर्म विकसित किया है फिर से करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट आमिर नाइन मेजबानी 2022 में कौन सा देश करेगा बताइए आमिर नाइन मेजबानी 2022 में कौन सा देश करेगा भारत ही करेगा ऑप्शन नंबर डी तो क्या है इसका फुल फॉर्म नवी एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन ए एम ई आर नाइन की मेजबानी दो हजार बाईस में भारत करेगा ठीक है नौवीं एशियाई मंत्री ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी दो हजार बाईस में अगले साल यानी भारत द्वारा की जाएगी दसवा प्रश्न है जड़दालू आम की एक पहली खेप जो है भारत से निर्यात की गई है किस देश में और जीआई प्रमाणित है जरदालू आम ये यूनाइटेड किंगडम भेजी गई है तो जीआई प्रमाणित जरदालू आम की पहली वाणिज्य खेप जो है यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन को निर्यात की गई है और इन आमों को लखनऊ स्थित ए पी ई डी ए पैक हाउस में पैक करके उपचारित किया गया था नंबर इलेवन पर आ जाइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है केंद्रीय गृह मंत्री ने अठारह जून दो को साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्त नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन वन फाइव फाइव टू सिक्स जीरो और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया यह जो हेल्पलाइन है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में दिल्ली में मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रही है उत्तर प्रदेश है क्या इसमें और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड भी है है राजस्थान भी है तेलंगाना भी है मध्य प्रदेश भी दिल्ली भी छत्तीसगढ़ भी ठीक है तो करेक्ट हो गए ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट पाँच छः सात ठीक है सात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तो उसी हो गया इसका आंसर तो देखिए सरकार के अनुसार ये जो हेल्पलाइन है भारत के सभी राज्यों में शुरू की जाएगी और राज्य पुलिस द्वारा संचालित की जाएगी क्वेश्चन नंबर बारह पर आ जाइए भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र खोला गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पाँच मार्च दो हजार इक्कीस को उड़ीसा के भुवनेश्वर के मानेश्वर औद्योगिक क्षेत्र में भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया और इस केंद्र को एशियाई विकास बैंक ए और आई शिक्षा सेवा सिंगापुर के ज्ञान साझेदार के रूप में विकसित किया गया है नंबर थर्टीन पर आ जाइए भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क निम्नलिखित में से किसके द्वारा ओपन किया गया किसने ओपन किया है तेलंगाना में ओपन किया है तो भारत का पहला है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना के हैदराबाद के गाछी बोबली पुलिस स्टेशन में शुरू किया गया और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क देश में अपनी तरह की पहली लिंग समावेशी सामुदायिक पुलिस पहल है और साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दुनिया का पहला सहायता केंद्र भी नंबर फोर्टीन पर आज निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम दो स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तीन मार्च दो हज़ार इक्कीस को सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रायोजित संकल्प को अपनाकर वर्ष दो हजार तेईस को अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष के रूप में घोषित किया है अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष वर्ष दो तो हजार तेईस और यह संकल्प भारत द्वारा बांग्लादेश केन्या, नेपाल नाइजीरिया रूस सेनेगल के साथ शुरू किया गया था और सत्तर से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित था क्या दोनों बातें सत्य हैं ये सत्य है तो अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष का उद्देश्य है बदलती जलवायु परिस्थितियों में अनाज के स्वास्थ्य लाभ और खेती के लिए उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना नंबर फिफ्टीन पर आ जाइए निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में चिन्हित किया है बताइए सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस तो भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस जो होता है तेईस जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान और उन्हें याद करने के लिए समर्पित होगा नंबर सिक्स पर आ जाइए सिक्सटीन पर आ जाइए इंपॉर्टेंट है प्रश्न हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफ ने खाद्य पदार्थों में फैट की सीमा पाँच प्रतिशत हटाकर कितनी कर दी है बताइए एक प्रतिशत जीरो पॉइंट पाँच प्रतिशत तीन प्रतिशत या दो प्रतिशत कितनी कर दी है तीन प्रतिशत कर दी है इसको और भी हटा घटाने का निर्माण है ठीक है और भी घटाने का लक्ष्य है दो हज़ार बाईस तक दो पर लाना है अभी फिलहाल उत्तर क्या होगा अपना तीन तो उनतीस दिसंबर दो हज़ार को जारी की गई अधिसूचना के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफ एस एस ए आई ने खाद्य पदार्थों में फैट की सीमा पाँच प्रतिशत से घटाकर कर कर दी है तीन प्रतिशत और इस आदेश के बाद भारत में एक जनवरी दो से यानी ये जो साल चल रहा है लगभग ख़त्म होने वाला है इसमें जो है तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट का स्तर तीन प्रतिशत से अधिक नहीं रखा जाएगा और सरकार दो हज़ार बाईस तक ट्रांसफैट के स्तर को खाद्य पदार्थों में दो प्रतिशत तक करने पर भी विचार कर रही है एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यू ने वर्ष दो तक ट्रांस फैट के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान भी किया है ठीक है आने वाले दो सालों में नंबर सेवनटीन पर अजीन के में से किस देश ने सत्ताईस दिसंबर दो बीस को एक रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट याओगान थर्टी थ्री प्रक्षेपित किया किसने किया है इसके नाम से तो ऊपर के तीन लग रहे हैं ठीक है संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है साउथ कोरिया या जापान कौन है चीन है चीन तो सत्ताईस दिसंबर दो हज़ार बीस को चीन ने एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह या सैटेलाइट यावगान तैतीस प्रक्षेपित किया इस उपग्रह का जो प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च फोर सी रॉकेट के द्वारा किया गया ठीक है लॉन्ग मार्च फोर सी चीन का रॉकेट है और लॉन्ग मार्च कैरियर रॉकेट सीरीज की यह तीन सौ सत्तावन भी उड़ान थी यावगान तैंतीस की बात करें तो ये जो सैटेलाइट है एक सूक्ष्म और अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी उपग्रह को भी अपनी कक्षा में भेजा गया ठीक है इसके साथ एक सूक्ष्म और सैटेलाइट भी गया इसके यावगानी यानी कुल मिलाकर ये दो गए हैं अब क्या काम करेंगे दोनों क्या उपयोग है इनका वैज्ञानिक प्रयोगों में इनका काम लिया जाएगा भूमि संसाधन सर्वेक्षण में फसल उपज अनुमान आपदाओं की रोकथाम और उनको आपदाओं में जो है कमी लाने के लिए इनकी हेल्प ली जाएगी ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन पर आ जाइए भारत नवाचार सूचकांक इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के संदर्भ में विचार करना है कौन सा सही है बताना इन चार में से तो बीस जनवरी दो हजार इक्कीस को नीति आयोग ने किसने नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक दो हजार बीस जारी किया पहला स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है संस्था का नाम भी याद रखिएगा नीति आयोग है इस सूचकांक का पहला संस्करण अक्टूबर दो हजार उन्नीस में जारी किया गया था क्या और इस सूचकांक को तैयार करने में गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ज्ञान भागीदारी रूप में शामिल रहा ठीक है गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कंपटिवनेस ज्ञान भागीदारी मतलब नॉलेज पार्टनर के रूप में शामिल रहा ठीक है तो करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट नॉलेज पार्टनर कौन है गुरुग्राम स्थित इंस्टीट्यूट फॉर कम्पटिटिवनेस और बाकी इसका पहला संस्करण जो है अक्टूबर दो में जारी किया गया था ये भी सही है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का और दूसरा संस्करण इसका बीस जनवरी दो को नीति आयोग द्वारा दोनों के दोनों करेक्ट हैं तीनों के तीनों करेक्ट हैं डी है इसका आंसर ठीक है तो इससे कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट जैसे कि बड़े राज्यों में कई बार बताया है कि कर्नाटक जो है शीर्ष स्थान पर है बड़े राज्यों में कर्नाटक को स्कोर के साथ याद रख लीजिएगा कर्नाटक का स्कोर है इसमें बयालीस दशमलव पाँच शून्य अच्छा बड़े राज्यों में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का नौवा स्थान है कौन सा नौवा स्थान याद रखिएगा और उत्तर प्रदेश को भी स्कोर के साथ देख लीजिए बाईस दशमलव आठ पाँच का स्कोर है बाकी दूसरे स्थान पर अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा ना जाए तो कर्नाटक के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है तीसरे पर है तमिलनाडु रुकिए महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर और तीसरे पर है तमिलनाडु हाँ ठीक है तेलंगाना है चौथे स्थान पर और केरल का इसमें पाँचवा स्थान है और उत्तर प्रदेश हो गया नवा स्थान है अगर हम यही चीज निम्नतम श्रेणी में देखें बड़े राज्यों में तो बड़े राज्यों में बिहार जो है वो अंतिम स्थान पर है ठीक है बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान केरल का हो गया अंतिम स्थान किसका हो गया बिहार का अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएँ जा जा, उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ी राज्यों में चले जाएँ जा, तो हिमाचल प्रदेश का इसमें शीर्ष स्थान है ठीक है स्कोर है हिमाचल का पच्चीस दसम्ब जीरो छे। और अंतिम स्थान पर कौन है पहाड़ी राज्यों में वो है मेघालय ठीक है अंतिम स्थान पर ठीक है दो चीज़ें क्लियर हो गई बड़े राज्यों में कर्नाटक प्रथम स्थान पर और बिहार अंतिम स्थान पर और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश नौवें स्थान पर नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल या पहाड़ी राज्यों में हिमाचल नॉर्थ ईस्ट या पहाड़ी राज्यों में हिमाचल और अंतिम स्थान पर है मेघालय अब केंद्र शासित प्रदेशों को भी देख लीजिए केंद्र शासित प्रदेशों में जो है दिल्ली शीर्ष स्थान पर है और अंतिम स्थान पर है लक्षद्वीप अगर ओवरऑल देखें हम सारे शासित प्रदेश और राज्यों में तो दिल्ली को जो है समग्र रूप से शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त हुआ है नंबर नाइनटीन पर आ जाइए पांचवी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता दो हज़ार इक्कीस के संबंध में कौन सा कथन सही है पांचवी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता दो हजार इक्कीस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई मतलब वर्चुअली संपन्न हुई करेक्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एन जी इंग के साथ इस वार्ता की सह अध्यक्षता की ठीक है रक्षा मंत्रियों की वार्ता है तो रक्षा मंत्री ही होंगे ठीक है करेक्ट हो गया दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ प्रधानमंत्री होता तो शायद गलत हो जाता शायद क्या गलती हो जाता फिलहाल करेक्ट है तो दोनों के दोनों करेक्ट है अब आंसर तो डी होगा फिर ठीक है इस दौरान भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच पंडुब्बी बचाव सहायता एवं सहयोग के कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो करेक्ट है सारे के सारे स्टेटमेंट ये बीस जनवरी दो हज़ार इक्कीस को पाँचवीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता जो है दो हज़ार इक्कीस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई इसमें स्टेटमेंट बनाकर ये पूछ सकता है कि भारत की तरफ से ठीक है राजनाथ सिंह केंद्र रक्षा मंत्री ने भाग लिया सिंगापुर के रक्षा मंत्री के साथ बीसवा प्रश्न अंतिम प्रश्न है विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप दो में जो है कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है बताइए कौन सा देश है शीर्ष स्थान पर क्यों पूछा गया प्रश्न क्योंकि पदक तालिका में जो है वो भारत ही शीर्ष स्थान पर है सबसे ज्यादा पदक जीते भारत ने कुल कितने जीते पंद्रह पदक जीते तो नौ से पंद्रह अगस्त दो हजार इक्कीस के मध्य सम्पन्न हुई थी विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी ये हुई थी पोलैंड के बोकल में और इस चैम्पियनशिप में भारत ने कुल पंद्रह पदक जीते और टॉप पर रहा पदक तालिका में आठ इसमें स्वर्ण पदक थे दो रजत थे और तीन कांश्यों पदक थे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है फ्रांस को फ्रांस ने कुल छः पदक जीते तीसरे स्थान पर मैक्सिको है मैक्सिको ने कुल चार पदक जीते ठीक है पहला स्थान भारत का तो बीस प्रश्न थे ये इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा धन्यवाद